हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे। आज हम बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स से वो पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये हमारी साइंस की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद मैं आपके साथ डाउट सेशंस एंड रिवीजन सेशंस स्टार्ट करूंगा। जिस हमारे आएंगे डाउट सेशंस यूट्यूब पे, और जो पेड बैचेस हैं उनके लिए सेपरेट डाउट सेशंस होगा। रिवीजन सेशंस ये यूट्यूब पे सबके लिए कॉमन होगा। PYQs फॉर बोथ CDS एंड FCAT। इन स्टूड ये सारी चीजें अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ये वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले ये देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या है। हम सबसे पहले जानेंगे कि ये वर्ड रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ने से पहले ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। जब तक इस वर्ड का मतलब समझ नहीं आएगा, आपकी इस चैप्टर में नॉलेज आधी ही रहेगी। उसके बाद कौन कौन से मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन समझ गए। अब ये समझना है कि रिप्रोडक्शन के ये टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स समझेंगे। फिर ए सेक्सुअल मोड एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन समझेंगे। ए सेक्सुअल मोड्स होगा, और सेक्सुअल में हमारे सिलेबस में और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल प्लांट्स एंड एनिमल्स यही दो इम्पोर्टेंट है, और यही दो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम समझेंगे रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या है, एक्चुअल में ये वर्ड कहता क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग दैट आर बायोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब होता है ये एक प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन जो है एक प्रोसेस है ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, अपने से नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस करना, जो कि बायोलॉजिकली या जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के सिमिलर। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड ऑफस्प्रिंग। मतलब प्रोसेस है बच्चा प्रोड्यूस करने का जो कि बायोलॉजिकली या जेनेटिकली अपने पेरेंट के से सिमिलर हो। ओके, अब रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये दोनों टाइप का मतलब क्या होता है, इनके बीच इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ये सब आगे वाली स्लाइड्स में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जस्ट अ मोमेंट। रेफर टू अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। मतलब सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और वो एक पेरेंट जब जो भी मेथड फॉलो करेगा, कौन कौन से मेथड है मैं आपको आगे बताऊंगा, ये एक पेरेंट कुछ मेथड फॉलो करके अपना नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, A1, A2। ठीक है, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सो सच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो समझते हैं। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, जैसे आपको बता दिया, इसमें नो फर्टिलाइजेशन ऑफ गमीट होता है, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस नहीं होता, ये अलग ही मेथड चलता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप लोगों को पता होगा कि ह्यूमंस में एक ह्यूमन जो बेबी होता है या जो बेबी का बर्थ होता है वो टोटल 9 मंथ लॉन्ग प्रोसेस होता है ना। बाकी मेथड्स में भी, जैसे प्लांट्स में भी जो फूल उसमें उगते हैं या फ्रूट्स बनते हैं, ये सब काफी लंबे प्रोसेस होते हैं, बट ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ही शॉर्ट स्पैन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई एंड ग्रो रैपिडली, काफी तेज काफी जल्दी होता है और काफी ज्यादा ये ग्रो करते हैं। द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर, ना ही वो सिर्फ जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, बट इनफैक्ट दे आर
एग्जैक्ट फोटो कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स से कुछ 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 सिमिलैरिटी होगी कि आपका नाक आपके पापा के जैसा होगा, आपका फोरहेड आपकी मम्मी जैसा होगा, आपकी आंखें इसकी तरह होगी उसकी तरह, ऐसे कुछ सिमिलैरिटी होगी, बट इसमें ये एकदम आप कह लीजिए कि ये एकदम फोटो कॉपी होते हैं, ठीक है, जैसा पेरेंट होता है वैसा ही इनका बच्चा होता है, इसमें ज्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, अब टाइप्स कौन कौन से टाइप्स, जो मैं आपको कह रहा था कि ये जो एसेक्सुअल मोड है, ये कई प्रोसेस के थ्रू इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो नए इंडिविजुअल को बर्थ देता है। तो वो कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, वो ये सारे क्या क्या, बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोरोजेनेसिस या स्पोर फॉर्मेशन। सो ये मेथड है, ये डिफरेंट मेथड है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन सभी मेथड को हम एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम इस टर्म बाइनरी फिजन का मतलब समझते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब टू डिवाइड, फिजन जो वर्ड होता है ये इसका मतलब होता है डिवाइड होना। इसमें जो पेरेंट सेल होता है, इट डिवाइड्स, पेरेंट सेल डिवाइड्स इंटू टू सेल्स, द सेल डिविजन पैटर्न्स वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो पेरेंट सेल होता है, ये जो पेरेंट सेल है ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। एंड सच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज बाइनरी फिजन। अब फिजन जो होता है, फिजन वर्ड का मतलब होता है डिवाइड होना। अब फिजन दो टाइप का होता है, फिजन दो टाइप का होता है, बाइनरी एंड मल्टीपल। फिजन जो है ये आपको दो टाइप का देखने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजन आपका दो पार्ट में होता है। फिजन वर्ड का मतलब होता है डिवाइड होना, इसमें पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होगा और डॉटर सेल्स या नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। अब फिजन दो टाइप के है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन इसका एग्जाम्पल है अमीबा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल। एक पेरेंट सेल है, ये डिवाइड हुआ और दो डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस हो गया। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। इसमें जैसे यहाँ पे केवल दो डॉटर सेल्स बने हैं, प्लाज्मोडियम या मल्टीपल फिजन वाले प्रोसेस में कई सारे डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये है आपका फिजन, फिजन बाय मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, समझ आया? डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना। अगला टॉपिक है फ्रैगमेंटेशन, अगला मेथड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रैगमेंटेशन इज अनदर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये कौन कौन शो करता है, स्पाइरोगायरा, प्लेनेरिया। इसमें होता क्या है, पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इंटू सेवरल फ्रैगमेंट्स, ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप इंटू न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें होता यह है कि जो पेरेंट बॉडी है ये कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है और ये पार्ट आगे चल के एक अपने एक नया ऑर्गेनिज्म, पूरी नया इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में होता यह है कि पेरेंट बॉडी जो होती है इट डिवाइड्स इंटू सेवरल फ्रैगमेंट्स, ये कई सारे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है और ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप देमसेल्फ इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। समझ आया कि जो पेरेंट बॉडी है वो कई सारे फ्रैगमेंट्स में टूट गई और ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज द प्रोसेस नोन एज फ्रैगमेंटेशन। अब अगला प्रोसेस है रीजेनरेशन। आपको इस प्रोसेस पर फ्रैगमेंटेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है या मे बी होगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपका अभी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद कोई कंफ्यूजन ना रहे। रीजेनरेशन क्या होता है, रीजेनरेशन जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, री प्लस जेनरेशन, मतलब कोई चीज दोबारा जनरेट हो। ओके, इसमें होता यह है कि जो ऑर्गेनिज्म है, रीजेनरेशन इज अ पावर ऑफ ग्रोइंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लॉस्ट बॉडी पार्ट। जो बॉडी पार्ट हमारा टूट गया वो बॉडी पार्ट
खुद को नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेगा। ये आपको फ्रेगमेंटेशन की तरह सिमिलर भी दिख रहा होगा, है ना, कि सर फिर इसमें और फ्रेगमेंटेशन में अंतर क्या है? इसमें और फ्रेगमेंटेशन में अंतर ये है कि फ्रेगमेंटेशन में जो मैं दिखाता हूँ, जो स्पायरोगायरा या प्लानेरिया है, ये खुद जाके टूटते हैं, ये खुद जाके अपने आपको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फिर जो ईच फ्रैगमेंट होता है वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। सो ये हुआ फ्रैगमेंटेशन। रीजेनरेशन में क्या होता है कि अगर बाय चांस किसी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट टूट गया, तो वो बॉडी पार्ट के पास कैपेबिलिटी है कि वो पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। इसमें ये लोग खुद जाके नहीं टूटते, इन केस अगर टूट जाता है तो वो नया बॉडी पार्ट बना लेते, वो नया बॉडी, वो जो टूटा हुआ बॉडी पार्ट है वो पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। हाइड्रा, प्लेनेरिया, ये सब रीजेनरेशन प्रोसेस शो करते हैं। समझ आया? अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। फ्रैगमेंटेशन में जो आपका स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया है, ये खुद जाके टूटते हैं, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, और वो फ्रैगमेंट्स नए नए पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। रीजेनरेशन में इन केस जो पेरेंट सेल है वो टूट गया, ठीक है, वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेकडाउन हो गया, तो वो जो ब्रेक छोटा सा जो पीस है जो टूट के अलग हो गया, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो खुद नया ऑर्गेनिज्म बना ले, ठीक है। सो ये है फ्रैगमेंटेशन और रीजेनरेशन के बीच का अंतर। ओके, अगला प्रोसेस है बडिंग। बडिंग जो होता है, बडिंग सबसे कॉमन होता है हाइड्रा में। इसमें क्या होता है, इसमें जो पेरेंट हाइड्रा होता है, इसके साइड से एक बर्ड फॉर्म होता है, और धीरे धीरे ये बर्ड बड़ा होता है, और जब ये सफिशियंट इसका साइज हो जाता है तो ये बर्ड अब पेरेंट सेल से अलग हो जाता है। इसमें पेरेंट भी रहता है और नया बर्ड भी रीजेनरेट हो जाता है। क्या होता है इसमें कि एक ये हाइड्रा है, यहाँ पे बर्ड धीरे धीरे फॉर्म होगा, अराइज होगा, यहाँ पे बर्ड बड़ा होगा, बट डेवलप्स इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और जब ये पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाएगा, फिर ये दो पार्ट में टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है। बडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंडिविजुअल थ्रू द बड्स दैट डेवलप ऑन अ पेरेंट बॉडी। ये बडिंग एक प्रोसेस है जिसमें नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है बड के द्वारा, और वो बड पेरेंट के बॉडी से जनरेट होता है। ये देख रहे हो आप, या पेरेंट के बॉडी से ये बर्ड, नया बर्ड जनरेट हुआ, ये ग्रो हुआ, ये नया ऑर्गेनिज्म बना, और फिर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया, डिटैच हो गया पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। अगला प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। ये प्रोसेस में होता यह है कि जो प्लांट होता है, प्लांट के हम पार्ट को तोड़ के अगर नए जगह लगाएं तो वो कंप्लीट प्लांट फिर से ग्रो हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रोज का प्लांट होता है, आप वो पूरा प्लांट नहीं तोड़ के लाते हो, आप कहीं से भी रोज के अगर एक वो स्टेम अगर आपको मिल जाए तो आप अपने गमले में लगाते हो, और वो स्टेम कंप्लीट रोज प्लांट ग्रो हो जाता है। सो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका डेफिनेशन क्या है वो पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अकर थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज लीव्स, रूट, स्टेम, बर्ड्स। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होता है वो थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट हैं? लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, बर्ड्स, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें होता यह है कि ये पार्ट्स को अगर हम तोड़ के लगाएं तो एक कंप्लीट नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स को तोड़ के अगर हम एक अलग जगह लगाएं, उसे उसको मिट्टी मिट्टी में लगाएं, उसको पूरा न्यूट्रिशन वगैरह दें, पानी दें, सनलाइट दें प्रॉपर, तो वो नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, अगला है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कॉमनली आपको राइजोपस में देखने को मिलता है। इसमें होता यह है कि स्पोर डेवलप हो जाता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये स्पोर ये फट जाता है, ये स्पोर ब्लास्ट होता है, और इसके अंदर जो भी छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं वो चारों तरफ बिखर जाते हैं और नया प्लांट ग्रो होता है। क्या ये स्पोर्स
पेरेंट प्लांट में ग्रो होता है, ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं। फेवरेबल कंडीशंस मतलब प्लांट्स के ग्रो होने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी होता है। आपने जैसे देखा होगा कि वसंत ऋतु जब आती है, जब स्प्रिंग सीजन आता है, तो प्लांट्स फ्लावरिंग शुरू कर देते हैं, उनमें फूल लगने लगते हैं, ठीक है। तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये स्पोर ब्लास्ट हो जाएगा, ये स्पोर ब्लास्ट हो जाएगा, और इसके अंदर के जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं, ठीक है, ये बड़ा सा जो स्पोरेजियम इसे कहते हैं, ठीक है, ये स्पोरेजियम ब्लास्ट हो जाएगा। इसके अंदर के जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं वो चारों तरफ फैल जाएंगे और वो फिर नया प्लांट ग्रो करेंगे। आसान भाषा में इसका मतलब ये है। अब इसको हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द ऑर्गेनिज्म डेवलप सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेजियम, स्पोरेजियम दैट कंटेन्स स्पोर। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोरेजियम डेवलप हो जाता है जिसके अंदर कई सारे स्पोर्स होते हैं। व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल द स्पोरेजियम बर्स्ट ओपन्स एंड स्पोर्स रिलीज एंड जर्मिनेट रिलीज दैट जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोराइजियम डेवलप होता है, इसके अंदर कई सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल होती है, तब ये स्पोराइजियम बर्स्ट होता है, इसके अंदर के जो स्पोर्स हैं वो चारों तरफ बिखर जाते हैं और नए ऑर्गेनिज्म को, नए प्लांट को डेवलप करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस, इसको स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। हमने अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था। अब हम पढ़ेंगे जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें दो उसमें पढ़ना है, कौन कौन से, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले प्लांट्स में देखते हैं, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है वो समझते हैं। दिस इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज डीएनए रेप्लिकेशन। इन अदर वर्ड्स, इफ एन ऑर्गेनिज्म वांट्स टू कंटिन्यू इट्स स्पीसीज, दे नीड टू ट्रांसफर देयर ट्रेट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय डीएनए कॉपिंग व्हिच अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सेम वही चीज, अगर प्लांट को अपने जो प्लांट स्पीशीज है उसको अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते जाना है, तो उसको अपना डीएनए रेप्लिकेट करके अपने जो डॉटर प्लांट या फिर जो उनके चाइल्ड प्लांट होगा उसको देना पड़ेगा, और तभी उनका जनरेशन आगे बढ़ेगी, ठीक है। फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या फीचर हैं, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, हमने पढ़ा था। ए सेक्सुअल में वन पेरेंट आर इन्वॉल्व, इसमें टू पेरेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल। गैमीट फॉर्मेशन, गेमीट फॉर्मेशन होता है एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। गेमीट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन क्या है, ये आगे वाली स्लाइड्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। होल प्रोसेस इज स्लो एंड लेंदी, ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है और बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसमें वेरिएशन अकर होते हैं ऑफस्प्रिंग में। मैंने क्या कहा था आपको जब एसेक्सुअल पढ़ा रहा था, कि जो आपका डॉटर सेल बनता है, ठीक है, बाइनरी फिजन में, बाइनरी में फॉर एग्जाम्पल अमीबा का जो डॉटर सेल बनेगा वो अपने पेरेंट सेल का एग्जैक्ट कॉपी होगा, एग्जैक्ट रेप्लिका होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। बिकॉज जो इसमें वेरिएशन देखने को क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमें जो चीजें चाहिए, एग्स और सपोज करो स्पर्म और एग जो चाहिए, ये हमारे पास दो अलग अलग पेरेंट से आ रहे हैं, दो अलग अलग पेरेंट से ये फिर फ्यूज होता है, फर्टिलाइज होता है, और जब ये फॉर्म होता है बेबी, तो फिर दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स आते हैं, तो इस वजह से वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। और वहीं सिंगल सेल में होता यह है कि एक ही पेरेंट से आ रहे हैं, तो उसमें वेरिएशन कुछ खास आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो है बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली का एग्जांपल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जब प्लांट किसी अपने वेजिटेटिव पार्ट से कंप्लीट न्यू प्लांट डेवलप होता है, उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स देखते हैं। बट द मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। बोथ मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स। फ्लावर जो है वो बोथ मेल और फीमेल गेमीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। फ्लावर में पेटल्स, सेपल, स्टेमन और कार्पल देखने को मिलेगा, जिसमें स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स जो होता है प्लांट का, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट में जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। इसमें दोनों मेल और फीमेल गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड इन दोनों के फ्यूजन से आपको नया वो नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट देखने को मिलेगा। अब प्लांट के वो फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या है? पेटल, सेपल, स्टेमन एंड कार्पल, जिसमें स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पल आपका फीमेल। अब ये होता है, दिखता कैसा है, होता कैसा है, आगे वाली स्लाइड में मैं दिखाता हूँ। ये है आपका मेजॉरिटी, ठीक है। ये हो गया आपके पेटल्स, ठीक है। ये सब हो गए आपके पेटल्स, ये हो गए सेपल्स। अब यहां पे ये हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया आपका स्टेमन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये कंप्लीट हो गया कार्पेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसमें भी फर्दर डिवीजन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी फर्दर डिवीजन है। वो डिवीजन क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करता है। देखो, स्टेमन जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला एंथर, दूसरा फिलामेंट। एंथर आपका टॉप पार्ट है, ठीक है, और फिलामेंट आपके ये डंडा टाइप का। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, उसमें तीन पार्ट होते हैं, क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये होता है स्टिग्मा, ये जो ट्यूब टाइप का है ये होता है स्टाइल, और अंदर होता है आपका ओवरी। ये पूरा जो होता है ये ओवरी होता है, और इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है, सुन, कहानी सुन। अगर ये कहा ये तुम समझ गए तो उसके बाद फिर तुम्हें इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ध्यान से सुनो, अब मैंने आपको क्या बताया, स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। अब एंथर के पास जो होते हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स उड़ के आपके स्टिग्मा पे आते हैं। स्टिग्मा का जो अपर पार्ट होता है वो कैसा, वो आपका चिपचिपा सा होता है, ठीक है, स्टिकी इन नेचर होता है। स्टिग्मा का अपर पार्ट स्टिकी इन नेचर होता है। अब सोचो ऐसा क्यों होगा स्टिकी इन नेचर? ऐसा बच्चों इसलिए होगा स्टिकी इन नेचर क्योंकि जब यहां से पॉलन ग्रेन उड़ के आया है तो अगर ये स्टिकी नहीं होगा तो वो उड़ के तो कहीं भी चला जाएगा। इसको यहाँ पे अगर रोकना है तो इसको थोड़ा सा पकड़ना तो पड़ेगा ना, तो इस कारण ये स्टिकी इन नेचर होता है। फिर पॉलन ग्रेन जब यहाँ पे आते हैं फिर वो थ्रू स्टाइल नीचे जाते हैं ओवरी में। ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। ओवरी कंटेन लॉट ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है, ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। फिर ये जो पॉलन ग्रेन्स आया है, ये पॉलन ग्रेन्स प्लस ओव्यूल, दे बोथ फर्टिलाइज एंड फॉर्म न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म। ये होता है पूरा प्रोसेस, समझ आया? क्या होता है, होता ये है कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर फिलामेंट, एंथर के पास बहुत सारे आपके क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स उड़ के आते हैं आपके स्टिग्मा पे, स्टिग्मा स्टिकी इन नेचर होता है। फिर वहां से ये सीधा नीचे जाएंगे ओवरी में, ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे।
जो कि फीमेल गेमेट्स होते हैं, फीमेल एग्स होते हैं, आप इसे फीमेल एग्स से आप कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वो जो पॉलन ग्रेन्स आया है वो ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज करेगा और नया नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस होता है आपका प्लांट का रिप्रोडक्शन का, ऐसा ही आपका होता है, ठीक है। अब जो ये पॉलिनेशन और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये दो पॉलिनेशन आपके दो टाइप के होते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब एक ही फ्लावर, ठीक है, पॉलिनेशन वेयर द पॉलन ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में बोथ स्टेमन और कार्पल प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा एंड एंथर ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में ये दोनों प्रेजेंट होता है। यहां से उड़ के ये इधर आएगा और नया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये पॉलन ग्रेन्स उड़ के आएंगे, ओवरी में जाएंगे, वहां पे फर्टिलाइज होंगे और नया प्रोड्यूस करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में होता है पॉलन ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अलग अलग फ्लावर्स से, ठीक है, दे पॉलन ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। मतलब एक ही पेड़ में अगर एक फ्लावर ये है, एक ये है, यहां से अगर यहाँ पे आया तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा। या फिर अगर एक प्लांट ये है, प्लांट ए और प्लांट बी, ठीक है, प्लांट ए प्लांट बी डिफरेंट प्लांट्स हैं बट ऑफ सेम स्पीशीज। अब ये थोड़ी ना, आपने कभी ऐसा देखा है कि अगर मान लो कि ये गुलाब का फूल और गेंदे का फूल ने वो क्या क्या नया फूल प्रोड्यूस किया और वो कुछ अलग सा ही बन गया, ऐसा तो नहीं होता, सेम टाइप के ही होते हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट और सेम स्पीशीज। अब यहाँ से अगर उड़ के भी जाएगा, ठीक है, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उड़ के जाएंगे, उड़ के कैसे जाएंगे, ड्यू टू विंड, ड्यू टू वाटर, ड्यू टू वो जो क्या कहते हैं आपके एंड नाम ध्यान से, मधुमक्खी नहीं, बटरफ्लाइज, ड्यू टू बटरफ्लाइज, वो जो बटरफ्लाइज आपके ये फूल पे बैठती है ना, ये सब आपका पॉलन ट्रांसफर करने का काम करती है। ये सब जब उड़ के जाएगा इधर, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन का। ओके, सो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर, सेम फ्लावर, ठीक है, सेम फ्लावर में जब पॉलिनेशन होगा तो उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में दो डिफरेंट फ्लावर्स इन्वॉल्व होंगे, ऑफ सेम प्लांट और ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। अब जब ये पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गई, ये सब हो गया, ठीक है, देन द पॉलन ग्रेन्स रिलीज एंड फ्यूज विद एग। मैंने जैसे बताया कि वो जो नीचे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स आते हैं, उनके साथ फ्यूज होते हैं एंड दे फॉर्म जाइगोट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, गेमीट्स क्या होते हैं, दे आर दी रिप्रोड, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। वैसे मैंने आपको जितना एक्सप्लेन किया उससे आई होप आपको समझ आया होगा कि गेमिट्स होते क्या हैं, बट फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो पॉलन ग्रेन्स और एग्स या ओव्यूल्स जब फ्यूज होंगे तो जाइगोट फॉर्म करेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमिट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द जाइगोट दस फॉर्म डिवाइड्स एंड डेवलप इंटू एम्ब्रियो एंड लेटर इंटू सीड एंड लेटर इंटू सीड। अब जब ओवरी जो है वो आपका फ्रूट बन जाएगा एंड ओव्यूल जो है, इसको लिख लेना आप, ये आपका सीड बन जाता है, ठीक है। जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो ओवरी आपका फ्रूट बन जाता है। देखो क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ, सेल्फ सपोज करो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन्स आया, ओवरी ओवरी में गया, ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट था, उसमें कई सारे एग्स प्रेजेंट है, उन एग से ये इसने वो फ्यूज किया और जाइगोट फॉर्म किया, फ्यूज किया और जाइगोट फॉर्म किया, जाइगोट फॉर्म किया। अब ये जाइगोट फर्दर डिवाइड होगा और एम्ब्रियो बनाएगा। अब ये एम्ब्रियो जब फर्दर डिवाइड होगा
तो ये फ्रूट बनाएगा, फ्रूट में जो आपका ओवरी होगा वो फ्रूट बन जाएगा, और ओव्यूल जो होगा, ओव्यूल जो होगा वो सीड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस प्लांट्स में होता है। आई होप आपको क्लियर होगा और कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब आते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कैसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, देखो एनिमल्स में भी दो मेल और फीमेल को के बीच में फ्यूजन, के गेमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है, उसके बाद फिर आपका जायगोट फॉर्म होता है, और फिर ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है, उसको देखते हैं। द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज टूगेदर एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंप्राइज टेस्टिस, स्पर्म, स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस, ठीक है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, द स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, हैव हेड, मिडल पीस एंड टेल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या है? टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस, ठीक है। स्पर्म्स जो है वो टेस्टिस में फॉर्म होते हैं, ठीक है। स्पर्म्स जो है वो टेस्टिस में फॉर्म होंगे। टेस्टिस बहुत ही छोटा इन साइज होता है। इसका एक हेड होगा, मिडल पीस होगा और टेल होगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का आपका स्पर्म होता है, ठीक है, ऐसा होगा। वही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होते हैं? ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस। ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस, ठीक है। द एग्स या ओवा आर प्रोड्यूस बाय द ओवरीज। ओवरीज जो होते हैं वो एग्स या ओवा इसको प्रोड्यूस करते हैं। दोनों वन ऑफ द सेम थिंग है। ये एग्स क्या है? ये फीमेल गेमीट है। ये स्पर्म क्या है? ये मेल गेमीट, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस इन यूटेरस। जो बेबी का जो डेवलपमेंट है वो यूटेरस में टेक प्लेस करता है। जब आपका फीमेल फीमेल जब एग्स रिलीज करती हैं, ठीक है, तो वो एग आपके यूटेरस में आता है, और इन केस वहां पे अगर स्पर्म है तो वो स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज करेगा एंड दे फॉर्म अ जायगोट। फिर वहीं पे यूटेरस में वो बेबी का डेवलपमेंट होता है, ओके। अ मेच्योर एग इज रिलीज बाय ईच ओविडक्ट एवरी मंथ। फीमेल के पास दो ओविडक्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड। फिर यहां से ये फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं एंड दे कम्स इन टू योर यूटेरस, ठीक है, यूटेरस। अब यहाँ पे फ्यूजन होता है और बेबी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और बेबी ही यहीं पे रहता है। सो ये है आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कैसे क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जो होता है, सिंगल स्पर्म फ्यूजेस विद ओवा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मतलब जो स्पर्म है वो ओवा एग के साथ फ्यूज होगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब ये फ्यूज होंगे देन जायगोट फॉर्म होता है। जब दोनों फ्यूज होते हैं देन दे फॉर्म जायगोट, ओके। फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जस्ट अ मोमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होते हैं, द फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर टेक प्लेस करते हैं उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, ये फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज होगा, ये अंदर ही फ्यूज होगा, अंदर ही दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपको इसके एग्जांपल हो गया ह्यूमन, काउस, डॉग्स, ये प्रिवेलेंट है टेरिस्टेरियल एनिमल्स में। मोस्ट ऑफ द टेरिस्टेरियल एनिमल्स एंड सम एक्वेटिक एनिमल्स फॉलो दिस मेथड, ठीक है। अब इसके भी फर्दर तीन पार्ट होते हैं, क्या? ओविपैरिटी, ओवोविविपैरिटी एंड विविपैरिटी। अब ओविपैरिटी क्या होता है? ओविपैरिटी होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मेल गेमीट प्लस फीमेल गेमीट दोनों फ्यूज हुए, ठीक है,
फ्यूजन हैपेंड हैपेंड, दे फॉर्म जाइगोट, इन्होंने जाइगोट फॉर्म किया, ठीक है, और फिर ये फर्टिलाइज हुआ ये एग। उसके बाद जो ये फर्टिलाइज एग है, ठीक है, ये फर्टिलाइज एग को जो फीमेल बॉडी होती है वो हैच कर देती है, वो अपने से बाहर निकाल के रख देती है। फॉर एग्जाम्पल हेंस, आपने देखा होगा मुर्गी अंडा देती है, आपने सुना होगा ये टर्म, ठीक है। क्या होता है कि जो हेन है उसकी बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट दोनों गए, दोनों फ्यूज हुए, उन्होंने एक एग बनाया। अब वो एग जो है, वो एग जो फीमेल है वो उसे बाहर अपने बॉडी से बाहर रिलीज कर देगी, और फिर उसको बाहर ही फिर वो जब एग डेवलप होगा और तो नया स्पीशी फॉर्म करेगा। अब एग के अंदर आपने देखा होगा योक होता है, तो जो जो आपका सेल हो, जो नया स्पीशी होता है वो अपना न्यूट्रिशन उस योक से लेता रहता है। समझ आया? मैं फिर से बताऊं, ओविपैरिटी में क्या होता है, एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाए। ओविपैरिटी में होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिले, फर्टिलाइज हुए, अब वो जो फर्टिलाइज एग है वो फीमेल अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर देती है, और फिर वो बाहर जो होता है वो बाहर एग कुछ समय के बाद हैच होता है और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। विविपैरिटी में क्या होता है, विविपैरिटी में होता है ऑफस्प्रिंग्स आर बॉर्न डायरेक्टली इनसाइड ऑफ हैचिंग फ्रॉम एग, मतलब ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो डायरेक्टली बॉर्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, ह्यूमंस में तो ऐसा नहीं होता ना कि अंडे अंडे से बाहर आए हैं, ह्यूमंस में होता है कि जब मेल फीमेल गैमेट दोनों मिले, फीमेल बॉडी उसको अपने अंदर रख के उसको वो जो बेबी है उसको क्या कहते हैं, उसको संभालती है, उसका उसका न्यूट्रिशन, वो जो वो बेबी है वो न्यूट्रिशन फीमेल बॉडी से लेता है, और फिर ऐसे करके एक नया मैमल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एग्स तो नहीं देते ना, नया मैमल प्रोड्यूस होता है। अब ओवो वीवी पैरिटी क्या होता है, ओवो वीवी पैरिटी वो प्रोसेस है, ओवो वीवी पैरिटी वो प्रोसेस है जिसमें ओवी पैरिटी और वीवी पैरिटी दोनों कंबाइंड होते हैं। अब कैसे होते हैं, इसका एग्जाम्पल है आपका, इसका एग्जाम्पल है आपके एक्वेटिक एनिमल्स में, एनिमल्स लाइक वेल, इसमें होता ही है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों फर्टिलाइज हुए। अब वो फर्टिलाइज जो हुए हैं, ठीक है, वो जो फर्टिलाइज एग है वो रहेगा तो फीमेल बॉडी के अंदर, लेकिन वो फीमेल बॉडी के अंदर एक एग के कवरिंग में रहेगा, वो एक एग के कवरिंग में रहेगा, फीमेल बॉडी में एक एग रहेगा। उसके बाद जब वो एग बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और वो पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो वो फिर नया मैमल बाहर निकलेगा, मैमल फीमेल बॉडी से बाहर रिलीज होगा, लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर वो जो एग है, वो जो एग है फर्टिलाइज एग है, उसके पास ऊपर एक अपना शेल भी रहेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेके सपोज करो कि जो मुर्गी का अंडा है वो ऊपर से आपने देखा ना व्हाइट कलर का होता है, एक जो उसका शेल होता है वो शेल फीमेल बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक है, डबल कवरिंग होती है, डबल प्रोटेक्शन होता है, ये व्हेल्स वगैरह के एग्जाम्पल में फीमेल बॉडी के अंदर रहेगा वो कवरिंग। उसके बाद वो फीमेल क्या कहते हैं, वो जो एग है वो फिर डेवलप हो जाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म, और फिर वो न्यू ऑर्गेनिज्म फीमेल बॉडी से बाहर रिलीज होगा। आई होप आपको समझ आया तीनों प्रोसेस, ठीक है, कोई भी डाउट अगर हो तो पूछना, ठीक। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे हमने इंटरनल पढ़ा, इंटरनल में क्या था कि फीमेल बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट यूज होते हैं और फर्टिलाइज होते हैं, तो एक्सटर्नल क्या होगा कि वो जो फ्यूजन है वो ऑफ मेल और फीमेल गैमेट वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा, है ना। सच प्रोसेस आर कॉमन इन फ्रॉग्स एंड फिशेस, ठीक है, फ्रॉग्स और कुछ कुछ फिशेस में ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस होता है। सो दिस इज द एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट, जो मेल और फीमेल गैमेट वो पर फ्यूजन हुआ है, फर्टिलाइज हुआ है, एक जो फर्टिलाइज हुआ है फिर वो जायगॉट फॉर्म करता है, फ्यूज हो दोनों आपस में जब फर्टिलाइज होते हैं तो जायगॉट फॉर्म करता है। ये जायगॉट रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है, दिस जायगॉट रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है, और फिर जब फिर ये एम्ब्रियो फॉर्म करता है,
एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो एम्ब्रियो दीज सेल्स डिफरेंशिएट इनटू मैं आपको देखो एम्ब्रियो क्या होता है. एम्ब्रियो व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो स्टार्टिंग विजिबल इट इज कॉल्ड फीटस. देखो क्या होता है, जायगोट है, जायगोट कंटिन्यू डिवाइड होगा, ठीक है, जायगोट बहुत स्मॉल है, कंटिन्यू डिवाइड होगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म होगा. एम्ब्रियो के पास अपने टिश्यूज होंगे, अलग अलग टिश्यूज होंगे, ये जायगोट से डेवलप्ड फॉर्म. फिर ये एम्ब्रियो और डिवाइड होगा एंड देन इट फॉर्म फीटस. फीटस क्या होता है? फीटस का मतलब होता है कि जब उस बेबी का बॉडी पार्ट आपको विजिबल होने लगे, उसके हाथ पांव, उसका सर आपको दिखने लगे, देन इट इज नोन एज फीटस. सबसे पहले मेल प्लस गेमीट प्लस फीमेल गेमीट मिले, दोनों फ्यूज हुए, फर्टिलाइज हुए, ठीक है, उन्होंने जायगोट फॉर्म किया. जायगोट फर्दर डिवाइड हुआ, उसने एम्ब्रियो फॉर्म किया. एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड हुआ, उसने फीटस फॉर्म किया, ठीक है. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस. इस प्रोसेस ये पूरा प्रोसेस होता है चाइल्ड डेवलप्ड आफ्टर 9 मंथ्स इन वुमेन्स. 9 महीने के बाद वो जो चाइल्ड है, वो जो बेबी है, वो जो फीटस है बेसिकली, वो कंप्लीटली एक एक अच्छे फॉर्म में डेवलप हो जाता है. मतलब उसके हाथ पांव सर वगैरह सब ठीक है, ठीक है. सो ये है आपका पूरा एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. ये ओविपैरस और विविपैरस जो मैंने आपको समझाया था उसके बीच का डिफरेंस है, ये आप डिफरेंस पढ़ लेना. मैंने वैसे तो सब चीज समझा दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना. तब तक के लिए बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही था. आई होप आपको चीजें समझ आई हों. ये लेक्चर बहुत काफी इंटरेस्टिंग है और काफी काफी अच्छा लेक्चर है, ठीक है. बायोलॉजी में काफी इसमें सीखने को मिलता है, समझने की कई सारी चीजें. तो आई होप आपको अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस और नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, ठीक है. तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर.